जय हिंद दोस्तों। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना था ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पैरेलल टू ओरिजिन ऑफ अर्थ के इंट्रोडक्शन के बारे में। आज जो है गाइस, आपको क्या लगता है कि इंसान जो सोच रहा है, थ्योरीज जो दे रहा है आज के डेट में, वो सबसे पहले आज से कई सौ साल पहले किसके बारे में उसने सबसे पहले सोचने की शुरुआत की होगी, किसी के बारे में सबसे पहले उसने थ्योरी दी होगी? पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, या सोलर सिस्टम के बारे में, या फिर यूनिवर्स की उत्पत्ति के बारे में? अगर हम इस बात को ध्यान से देखें तो हम देखते हैं कि मानव सभ्यता का जो जन्म हुआ वह पृथ्वी पर हुआ। तो जाहिर सी बात है कि उस समय जो मानव की चेतना थी, जितनी बुद्धि थी, वह पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पहले सोचेगा। वह पहले जहाँ पर जन्म हुआ उसके बारे में जानने की चेष्टा करता है। आपका जन्म जिस घर में होता है, पहले आप वहाँ के माहौल के बारे में जानते हैं। आप वहाँ के जो लोग रहते हैं, आपके माता पिता, आप उनके बारे में जानने की बात करते हैं। उसके बाद जब आप बड़े होते हैं, आपकी जब बुद्धि विकसित होती है, तो आप घर के बाहर दोस्त बनाते हैं, रिलेशंस बनाते हैं। ठीक उसी तरह से मानव सभ्यता का विकास भी हुआ और मानव की बुद्धि का भी विकास हुआ। पहले उसने थ्योरी दी ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में। उसी से जब धीरे धीरे और कुछ समय पार हुआ, तब थ्योरी आई सोलर सिस्टम के बारे में और फिर यूनिवर्स के बारे में। तो ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में जानते हैं, और ओरिजिन ऑफ अर्थ से रिलेटेड जो हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे वो होगी इमैनुअल कांट, जो कि एक जर्मन फिलोसोफर हैं, उनके द्वारा 1755 में दी गई एक थ्योरी, जिसको जनरली हम लोग गैसियस थ्योरी ऑफ कांट के नाम से जानते हैं। थ्योरी जानने से पहले हम कुछ जान लेते हैं सर इमैनुअल कांट के बारे में, कि वो कौन थे और कहाँ से बिलोंग करते थे। इमैनुअल कांट जी जो है 18वीं सेंचुरी के फिलोसोफर थे। उनका जन्म ईस्टर्न पर्सिया, ये जो कि जर्मनी में है, ईस्टर्न पर्सिया जर्मनी में 22 अप्रैल 1724 ईस्वी को हुआ था, और उनकी मृत्यु जो हुई थी 12 फरवरी 1804 ईस्वी में हुई थी। उन्होंने अपनी सारी स्कूलिंग और पढ़ाई जो है वहीं से की है, और उनका जो मेन इंटरेस्ट था वो एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स और एथिक्स में था। लेकिन वो आगे जाके स्वीडिश साइंटिस्ट, स्वीडन के साइंटिस्ट, जो कि उनका पूरा नाम होता है इमैनुअल स्वीडेसबर्ग, उनकी थ्योरी से वो बहुत प्रभावित हुए थे, जो उन्होंने 1734 में प्रपोज की थी थ्योरी, जिसमें कि वो सोलर सिस्टम के उत्पत्ति के बारे में बता रहे हैं, जो कि नेबुला के थ्रू हुई थी। उससे प्रभावित होने के बाद उन्होंने, यानी कि सर इमैनुअल कांट ने, उस थ्योरी में कुछ अपने विचारों को मिलाकर और एक नए थ्योरी का पब्लिश किया अपनी पुस्तक में, जो कि थी नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ द हेवंस, जो कि 1755 ईस्वी में पब्लिश की गई थी। उसके अनुसार अब हम लोग देखते हैं गैसियस थ्योरी ऑफ कांट क्या है। तो उनकी थ्योरी के अनुसार कांट जो है एज्यूम किए कि गैस का एक बादल जो बना है, जो मैटर है, जिससे जो गैस और बादल बने हैं मॉलिक्यूल्स, वो बहुत ही ठंडे और मोशनलेस, यानी कि जो मोशन में नहीं हो, जो एक जब स्थिर हो, वैसे पार्टिकल से बने हैं, और उनको उन्होंने प्री मॉलिक्यूल, यानी कि मौलिक कण या मौलिक पदार्थ के तौर पर देखा है अपनी थ्योरी में। उन्होंने आगे कहा है कि ये जो पार्टिकल है, यह कुछ समय के बाद धीरे धीरे समय के परिवर्तन होने के साथ साथ आपस में जो बड़े कण थे गैस के, वो छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षण करने लगे, क्योंकि जो भी कण आप गैस में हैं उन सब में अपना अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, और जो बड़ा है उसके पास ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल है, और जो छोटे कण हैं उनके पास कम गुरुत्वाकर्षण बल है। तो जो छोटे कण थे वो बड़े कणों की आकर्षित होने लगे, क्योंकि बड़े कणों के पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज़्यादा थी। तीसरे समय के अनुसार जो मौलिक कण थे वो आपस में एक जगह पर कोलाइड करने लगे, एक जगह एक साथ मिलने लगे, और इस तरह से वो जो है एक बहुत बड़े पार्टिकल के तौर पर जन्म हुआ। एक बहुत बड़ा पार्टिकल बना जो घूमने लगा अपनी ही अक्ष पर, धीरे धीरे घूमने लगा, और जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था उसके अंदर हीट जो है, जी क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल फोर्स जो है, जैसे जैसे बड़ा हो रहा उसका गुरुत्वाकर्षण फोर्स जो है वो भी एक्टिव हो रहा, बहुत ज़्यादा ताकतवर हो रहा। और जब हम जानते हैं कि जब कहीं पे भी फोर्स यूज़ होता है तो वहाँ पर हीट भी जो है, एनर्जी हीट भी वहाँ पर रिलीज़ होती है, तो वहाँ पर जो है हीट की भी मात्रा धीरे आने लगी, और बहुत ज़्यादा हीट होने के कारण से और गुरुत्वाकर्षण फोर्स होने के कारण से वो जो गोल पिंड बना वो अपने अक्ष पर धीरे धीरे घूमने लगा, और उसकी साइज़ जो है वो धीरे धीरे बहुत बड़ा हो गया। और चूंकि इस कारण से जो चूंकि वो मोशन में आ गया था और इतना तेज़ घूमने लगा था
कि उसकी जो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स है, जो केंद्राभिसारी बल है, वो सेंट्रिपेटल फोर्स के ऊपर भी एक्सीड कर गई। यानी कि सेंट्रिपेटल फोर्स उस अब सेंट्रिफ्यूगल फोर्स जो है सेंट्रिपेटल फोर्स को भी पीछे छोड़कर बहुत आगे निकल गई थी। और हम सेंट्रिफ्यूगल फोर्स के बारे में जानते हैं, केंद्राभिसारी बल यानी कि केंद्र से वैसा बल निकलना जो प्रसार करता है, जिस भी पिंड से बल निकल रहा है। तो जो पिंड बना था उसका केंद्राभिसारी बल इतना अधिक हो गया था कि वह फिर प्रसार करने लगा और उससे बहुत सारे छल्ले निकलने लगे, और उन्हीं में जो छल्ले थे वह अलग अलग साइज़ के निकले और फिलामेंट के साइज की एक शेप में बहुत सारे ग्रहों का निर्माण हुआ, जो टोटल 9 ग्रह थे, जिसमें हम जानते हैं बुध, मंगल, पृथ्वी, इस तरह के जुपिटर ग्रहों का निर्माण हुआ। तो कांट के अनुसार, अगर हम शॉर्ट में समझे थ्योरी क्या है, तो कांट के अनुसार थ्योरी यह है कि अंतरिक्ष में एक बहुत सारे मोशनलेस यानी कि स्थिर और ठंडे पदार्थों से मिलकर बने हुए गैसों का समूह, जो बादल था, जो समय के कुछ अंतर के बाद वापस में जो उनके मौलिक कण थे वो बड़े मौलिक कण छोटे कणों को अपने आकर्षित करने लगे, और फिर इस तरह से आकर्षण होने के कारण से, कोलाइडेशन होने के कारण से एक बहुत बड़ा पिंड का रूप ले लिया, और पिंड में बहुत सारी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स आने के कारण से हीट उत्पन्न हुई। हीट उत्पन्न होने के कारण से वो अपने अक्ष पर घूमने लगा, और घूमने के कारण से उसके सेंट्रिपिटल फोर्स जो थी, सेंट्रिपिटल फोर्स के ऊपर भारी पड़ गई। और चूंकि सेंट्रिफ्यूगल फोर्स जब भारी पड़ती है तो हम जानते हैं केंद्राभिसारी होता है, केंद्र से जो बल निकलता है उससे पूरे पिंड का जो एरिया उसका एक्सपेंशन होता है, एरिया का एक्सपेंशन हुआ और वह जोर जोर से घूमने लगा जैसे ऐसे समय बढ़ा। लेकिन ये जो नियम उन्होंने दिया ये कॉस्मिक थ्योरी और फिजिक्स के बहुत ही विरोधी थ्योरी है, इसलिए इसको जो है हमने बाद में बहुत क्रिटिसाइज़ भी किया है। तो अभी हम लोग जानते हैं सिर्फ कांट थ्योरी के बारे में। तो हम लोग कहाँ पर थे, हाँ, तो हम लोग बोल रहे थे कि वहाँ पर बहुत तेज़ी से घूमने लगा, और इस इतनी तेज़ी से घूमने के कारण से वो जो पिंड था उसमें से कई सारे छल्ले निकलने लगे। उन्हीं छल्लों में 9 ग्रहों के निर्माण हुई है, जो रिंग की शेप में निकले। और जो 9 ग्रह है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो फिलामेंट के साइज में निकले थे, और अभी जो हमारे 9 ग्रह के साइज़ है वो भी फिलामेंट की है, जो जिसमें बीच में जो जुपिटर है वो सबसे चौड़ा भाग है, और उसके दोनों सिरों में सबसे छोटा छोटा ग्रह है, एक बुध है और एक जो है प्लूटो है। तो कुछ इस तरह से उसका साइज होता है, इसको आप पिक्चर में जैसा कि देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। यही हुआ है बस कांट गैसेस थ्योरी ऑफ कांट। इसको बाद में और बहुत ही क्रिटिसाइज़ किया गया, और अब हम जानते हैं क्रिटिसाइज़ किस तरह से किया गया। क्रिटिसाइज़ किया गया यह बोलकर कि अगर सूर्य जो है गैस से बना है तो उसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस ही क्यों है, और अगर हाइड्रोजन और हीलियम गैस ही अगर अंतरिक्ष में थी तो जो पृथ्वी बनी, जुपिटर बने, उसमें और सारे गैसेस कहाँ से आए। चूँकि हमारे पृथ्वी में अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन और हीलियम में उतनी हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा कम है और नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है। तो अगर सूर्य अगर नाइट्रोजन से नहीं बना, हाइड्रोजन और हीलियम से बना, तो पृथ्वी में नाइट्रोजन कहाँ से आया। फिर अगर हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की, तो सूर्य के एंगुलर मोमेंटम जो है वो 20 है और जुपिटर के एंगुलर मोमेंटम 60 है, 60 है। तो अगर सूर्य से ही अगर वो जो ग्रह की उत्पत्ति हुई है ग्रहों की, तो जुपिटर की 60 जो एंगुलर मोमेंटम की है वो इतनी ज़्यादा कैसे है जबकि सूर्य के 20 है। तो कुछ इस तरह का जो फैक्ट्स देकर क्रिटिसाइज़ किया गया उनको। उसके बाद जो है और बहुत सारी थ्योरीज आई हैं, तो अभी इस वीडियो में हम लोग जाने हैं गैसेस थ्योरी ऑफ कांट के बारे में। एक साथ ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, इसको अच्छा से समझते हैं, इसके ऊपर रफ करते हैं, इसको समझते हैं, याद करते हैं इसके बारे में। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट थ्योरी देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट करिए, और चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट थ्योरी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।